नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इराटिक इराटिक का मतलब क्या होता है मतलब इरेगुलर अब ध्यान देना है इसको सॉरी देखिए इराटिक का मतलब आपको ध्यान देना है एरर से ना इसको कंफ्यूज करें एरर से इसका कोई लेना देना नहीं है, है ना एरर से आप हाँ लिंक ज़रूर कर सकते हैं कि जहाँ पर एरर हो रहा है चीज़ें एबनॉर्मल तरीके से हो रही हैं इरेगुलरली हो रही हैं है ना? तो इराटिक आपका क्या है एडजेक्टिव है जिसका मतलब है अनियमित होना अनियमित होना मतलब कहने का मतलब सही से नहीं चल रहा रेगुलर नहीं हो रहा है और पैटर्न में किसी चाल में किसी ताल में किसी पैटर्न में आपका वो सिस्टम ठीक से बैठ नहीं रहा है इरेगुलर हो रहा है चल नहीं रहा है नॉट इवन मतलब बराबर नहीं है अनियमित है सिनोनिम देखिए अनप्रेडिक्टेबल अब जो चीज़ नॉर्मल नहीं है अब नॉर्मल है तो आप क्या उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कभी वेव अब जैसे कोविड का वेव है अभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है कभी बढ़ता है कभी राइज हो रहा है तो आपको नहीं पता अब आगे क्या होने वाला है कितनी देर में अब क्या होने वाला है अगले दिन का क्या पीक रहेगा क्या नहीं रहेगा नहीं पता है ना तो वो इराटिक है एराटिक वेव हो गया आपका फिकल फिकल का का मतलब जो बैगन का थाली होता है ना इधर से उधर लुढ़कता रहता है तो वैसे ही दिमाग मतलब जिसका फिकल होता है फिकल माइंडेड पर्सन कहते हैं ना मतलब इधर से उधर डायवर्ट होते रहना इधर से उधर दिमाग का स्थिर ना रहना है ना तो ये क्या होता है इरैटिक प्रिकेरियस जो डेंजरस हो जाता है फिर है ना अनसर्टेन हो जाता है इररेगुलर हो जाता है अनस्टेबल हो जाता है जो चीज टर्बुलेंट होती है डिस्टर्बड होती है अनस्टेबल होती है वो डेंजरस होती है अनसर्टेन होती है है ना अनप्रेडिक्टेबल होती है <coughs> तो ये सारे इसके नियरेस्ट सिनोनिम होंगे और इसका एकदम एग्जैक्ट सिनोनिम हो सकता है इरैटिक का इररेगुलर या अनस्टेबल कह सकते हैं आप फिकल माइंडेड कह सकते हैं टर्बल क्या होगा इसका विलोम क्या होगा विलोम बताइए विलोम क्या होगा जो चीज आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रिडिक्टेबल है है ना जो कंसिस्टेंट है जो कंसिस्टेंट है जो चीजें लगातार चल रही है कंसिस्टेंसी के साथ चलती जा रही हैं बिना रुकावट जो इवन है क्या है जो इवन है जो इवन है रेगुलर है है ना जो नॉर्मल है आ गए और एंटोनिम जो इराटिक नहीं है सेंटेंस में देखिए इसको कैसे यूज करेंगे हर ब्रीदिंग वॉज इराटिक हर ब्रीदिंग वॉज इराटिक मतलब सांस जो उसकी है सही से नॉर्मली नहीं चल रही कहने का मतलब इराटिक है उसकी सांसें ब्रीदिंग उसका जो सांस लेना है वो इराटिक डिस्ट्रैक्शन कैन कॉज मैजिक टू बी इराटिक अगर तुमने मेरा ध्यान भटकाया तो डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा जो जादू है वो एबनॉर्मल हो जाएगा सही से नहीं होगा इसमें देखिए क्या कह रहे हैं आई नो माई बिहेवियर कैन बी इराटिक समटाइम्स तो न्यूज रिपोर्टर को रिपोर्टर को बता रहे हैं कि हाँ मुझे पता है मेरा बिहेवियर इराटिक हो जाता है कई बार हंसते हुए अपनी बात को थोड़ा मिट्टीगेट कर रहे हैं कह रहे हैं कि हाँ मेरी आदत है मेरी बिहेवियर थोड़े से इराटिक हैं मतलब एबनॉर्मल अनस्टेबल है कहने का मतलब है ना इराटिक का मतलब आपको समझ में आ गया जब आप कहीं चल रहे होते हैं एंड जब आपने किसी आ, किसी लवर को आपने चलते हुए देख लिया जिस पे क्रश है आपको आपने उनको जरा चलते हुए देख लिया गुजरते हुए देख लिया आपके सामने आ गए तो क्या होता है आपकी हार्ट बीट इराटिक हो जाती है हो जाती है ना तो इराटिक अब आपको नहीं भूलना है इराटिक का मतलब क्या है इरेगुलर हो जाना नेक्स्ट वर्ड है आपका लिंच लिंच का मतलब क्या होता है अब जो न्यूज़पेपर काफी पढ़ते होंगे या न्यूज देखते हैं लिंच वर्ड काफी यूज़ किया जाता है ये सब वर्ड्स देखिए कहीं ना कहीं आपके एडिटोरियल से लिए गए हैं कुछ प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ऐसे ही वर्ड्स मैं आपको लगातार करवा रही हूं है ना तो लिंच का मतलब हो गया हत्या मतलब ट्रायल uh, मतलब लीगली नहीं आप किसी को मार रहे हैं लीगली आप सब कुछ नहीं ये सब मर्डर कर रहे हैं किसी का इनकाउंटर कर रहे हैं आप इीगली कर रहे हैं सब कुछ जो सही नहीं है जो कानूनन जुर्म है एक तरह से सिनोनिम क्या हो गया हैंग करना एग्जीक्यूट करना किल मर्डर स्ले कर देना काट डालना मार डालना है ना हैंग कर देना एग्जीक्यूट कर देना एंटोनम्स क्या होंगे किसी को बर्दाश्त करना यू आर नॉट किलिंग एनीवन यू आर बेयरिंग समवन यू आर क्रिएटिंग किल का उल्टा क्रिएट करना लिंच जैसे आपने मॉब लिंचिंग कई बार सुना होगा मॉब क्या होता है ये भीड़ मॉब मतलब भीड़ ग्रुप है ना जो अब आक्रमण करने वाला है भीड़ तो मॉब लिंचिंग मतलब we won't let हिंदुस्तान बिकम लिंचिस्तान देखिए सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है मतलब हम हिंदुस्तान को लिंचिस्तान नहीं बनने देंगे जहां पर मार कुटाई हो रही है हम ऐसा देश नहीं बनने देंगे हम हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहने देंगे लिंचस्तान नहीं बनाएंगे इस तरह से यूज किया गया है है ना लिंच मॉब जो भीड़ मारने वाली है जो खत्म करने वाली है जो किल करेगी मॉब लिंचिंग मैन वॉज लिंचड यस्टरडे मैन वॉज लिंचड यस्टरडे है ना मतलब कल एक आदमी मारा गया कल एक आदमी मारा गया समझ में आया लिंचिंग का मतलब हत्या कर देना मार देना लीगली नहीं इलीगली चलिए देखिए वॉच डॉग अच्छा वॉच डॉग का मतलब देखिए क्या होता है वॉच मतलब देखना डॉग मतलब कुत्ता तो वॉच डॉग आप जैसे आपका जो पेट होता है डॉगी है, है ना तो एक वफादार एक हमारा प्यारा सा डॉग क्या करता है गार्ड करता है ना एक कुत्ता क्या करता है आपका देखिए ध्यान से पहरा देते रहता है सबसे अच्छा पेट है हमारा अगर हम उसको पाल रहे हैं देखिए है, आपके दरवाजे के आसपास कोई भटकेगा भी नहीं अननोन आपके गली में स्ट्रे डॉग्स भी होते हैं आवारा कुत्ते वो किसी गली में सब जानते गली वाले कौ, कौन कौन से मेरे नोन है कौन आने वाला है जाने वाला है सबको पहचानता है दूसरा इंसान आ भी नहीं सकता पहरा देता रहता है है ना गार्ड करता रहता है ना मॉनिटर करता रहता है ना ऐसे याद रहेगा अब डॉग से आप इस चीज को याद कर लो हमेशा के लिए क्या वॉच डॉग जो डॉग पहरा देते रह रहा है कहने का मतलब मॉनिटर कर रहा है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जांच पड़ताल कर रहा है है ना ध्यान से सुपरविजन रख रहा है वॉच डॉग इसीलिए नाम ही इसीलिए पड़ा है वॉच डॉग है ना कितना अच्छा तरीका है देखिए याद करने का इसके बाद अब नहीं कभी भूलोगे ये वॉच और डॉग ऐसे याद रखना है नाम इसका मीनिंग क्या है जो मॉनिटर कर रहा है गार्ड कर रहा है तीनों क्या होगा मॉनिटर करना पर्सन एक्टिविटी सिचुएशन किसी सिचुएशन को किसी काम को ध्यान से देखना समझना है ना ऑब्जर्व करना इंस्पेक्ट करना इंस्पेक्टर का काम क्या होता है इंस्पेक्ट करना जांच करना है ना गार्ड करना इंबर्ट्स्में, इंबर्ट्स्में, आ, किसे कहते हैं जिसको दी जाती है क्या इन्वेस्टिगेट करने की इन्वेस्टिगेट करने की एक ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है एक ऑफिशियल पर्सन होता है दे दिया जाता है उसको काम कि आप वॉच डॉग करो आप क्या करो वॉच डॉग करो एंटेनिम देखिए कुछ नहीं एकदम आराम से आलसी की तरह बैठे हैं केयरलेसनेस की तरह काम हो रहा है इनडिफरेंस मतलब लैकिंग इंटरेस्ट है ना लैकिंग इंटरेस्ट इग्नोरेंट इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है लैकिंग नॉलेज लैकिंग प्रिज़नर जो कैदी हो गया है कहने का मतलब जहां पे पहरा नहीं है जहां पे कुछ नहीं है आप कुछ कर नहीं रहे हैं बैठे हुए हैं एक प्रिजनर एक कोने में है आप कहने का मतलब आप मॉनिटर नहीं कर रहे आप सुपरवाइजर नहीं है वहां पे इम्बर्ड्स में नहीं है, उल्टा है आप आप तो एक प्रिजनर हैं बैठे रहो तो कहने का मतलब वॉच डॉग मॉनिटर करना सेंटेंस में देखिए कैसे यूज किया गया है You guys go to sleep and I will be वॉच डॉग अ फ्यू आर यू गाइज गो टू स्लीप एंड आई विल बी अ वॉच डॉग फॉर फ्यू आर्स मतलब तुम लोग सोने जाओ और मैं कुछ देर कुछ घंटे उस पर पहरा दूंगा कुछ घंटे उस पर पहरा दूंगा और तुम लोग सोने जाओ है ना यू गाइज गो टू स्लीप एंड आई फ्यू आर देखिए क्या कर रही है ये लेडी ये लेडी क्या कर रही हैं ये क्या कर रही हैं देख रही हैं ध्यान से मॉनिटर कर रही हैं सुपरवाइज कर रही हैं कुछ तो ढूंढ रही हैं वॉच डॉग कर रही हैं मॉनिटर कर रही हैं है ना हु मॉनिटर्स समथिंग आगे देखिए क्या है कैवियट जरा बोल के दिखाइए <coughs> बोलिए कैवीट नहीं बोलना है कौन कितने लोग आप में से कैविट कह रहे हैं कितने आप क्या इसको कैविट प्रोनाउंस कर रहे हैं नहीं गलत है कैवियट बोलिए कैवियट है ना इसकी प्रेजेंटेशन पे भी हमें ध्यान देना वोकैब में तो सब कुछ आ जाता है आपका सिनोनिम से एंटोनिम से लेके अगर आप उसको कॉन्वर्सेशन में पुट कर रहे हैं तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई आप मतलब परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश में वेरी गुड कैविएट कैविएट का मतलब होता है चेतावनीया मतलब कॉशंस वार्निंग है ना अब किस तरह की वार्निंग की बात हो रही है जब लीगली देखिए अ वार्निंग और प्रोवाइजो प्रोवाइजो ऑफ स्पेसिफिक स्टिप्यूलेशंस कंडीशंस और लिमिटेशंस मतलब एक आपका प्रोवाइजो एक वार्निंग निकाला जाता है कैवियट निकाला जाता है जिसमें लीगली आप कोर्ट में लॉ में अगर देखिए नोटिस स्पेशली इन प्रोबेट दैट सर्टेन एक्शंस मे नॉट बी टेकन विदाउट इनफॉर्मिंग द पर्सन हु गेव द नोटिस कहने का मतलब लीगली ये चीज निकाली जाती है जिसमें आपके प्रॉपरली अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कंडीशंस लिखी होती है लिमिटेशन की क्या नहीं करना है सारे कंडीशन पॉइंट्स एंड एवरी थिंग लिखे होते हैं कि आपको क्या करना है ऐसा नहीं करना है या ऐसा कर सकते हैं सब कुछ चीजें लिखी होती हैं और ये नोटिस क्यों होता है कि आप वो चीज या वो काम नहीं कर सकते हैं। ये ये वार्निंग है आपके लिए विदाउट इन्फॉर्मिंग अ पर्सन जिसने वो निकाला है कैवियट सपोज मैंने कोई कैवियट निकाला है तो मुझे इन्फॉर्म किए बिना आप वो काम नहीं कर सकते है ना मुझे इन्फॉर्म किए बिना उस लिमिटेशन को आप पार नहीं कर सकते उनको आपको कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी जो भी अगर आप, आप काम कर रहे हैं तो मुझे इन्फॉर्म किए बिना जिसने नोटिस निकाला है उसको नोटिस को किए बिना उस पर्सन को इनफॉर्म किए बिना कोई काम नहीं होगा तो आप इसको सिनोनिम में एक नोटिस की तरह भी लिख सकते हैं है ना वार्निंग होता है एक तरह का कॉशन होता है मोनिशन होता है जहां पे मॉनिटर किया जा रहा है रेड फ्लैग होता है ना तो रेड फ्लैग थोड़ा सा आपका एग्जैक्ट uh, सिनोनिम तो मैं नहीं कहूंगी बट इट इज अनोनियम बिकॉज कॉशन की बात आ गई वार्निंग की बात आ गई एग्जैक्ट सिनोनिम की बात कहे तो नोटिस है आपका मोनिशन है नोटिस है है ना देखिए ये एक जैसे कैवियट निकला ये आपका आ, जैसे न्यूज पेपर का ही है जैसे आपके न्यूज पेपर में इस तरह से चीजें निकलती हैं ऊपर लिखा है कैवियाट नोटिस तो कैवियट है ये आपका क्या क्या चीजें हैं ऐसे किया गया है क्या नहीं करना है करेक्ट तो ये चीजें हैं तो इसके एंटेम क्या होंगे कॉन्सोनेंस एंड कितने अच्छे ये वो कैब है ये, ये देखिए ये सब पैसिव है वर्ड्स आपके लिए जिनका मतलब है जहां पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है रेकलेसनेस कॉन्सोनेंस डेलिंक्वेंसी कहने का मतलब जहां पे वार्निंग की बात ही नहीं है चिंता की बात नहीं है जहां पर आराम से हैं चीजें ऐसी हैं बस चल रही मार काट हो रही है बस चीजें चल रही है रेकलेसनेस है ना जहां पर ध्यान नहीं है मॉनिशन नहीं है जहां पे एबसेंट है मोनिशन दैट इज कॉन्स्ट सेंटेंस में देखिए यूज कैसे करेंगे शी विल बी ऑफर्ड ट्रीटमेंट विद द कैवियट दैट इट मे नॉट वर्क मतलब उसको ट्रीटमेंट ऑफर किया जाएगा लेकिन विद द नोटिस कि वो काम नहीं करेगा कि वो काम नहीं कर सकता है कोई मतलब जरूरी नहीं है कि आपको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो काम भी करे सक्सेसफुल भी हो कोई जरूरी नहीं है पता चला हमने ट्रीटमेंट दिया और वो सक्सेसफुल ना हुआ तो आप तो हम पे चढ़ जाएंगे कि आपको तो हमने ट्रीटमेंट आपसे करवाया और ये सक्सेसफुल नहीं हुआ ये प्रॉब्लम हो गई बाद में तो पहले से कैवियट निकाल देते हैं ये आप हॉस्पिटल में भी किसी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो देखिए कोई ना कोई प्रोवाइजर होता है कोई ना कोई आपके वहां पे कॉशन uh, होता है कोई फॉर्म होता है कैविएट होता है जहां पे आपको क्या करना पड़ता है आपको वो फुलफिल करना पड़ता है आपको साइन करना पड़ता है है ना वो कैवियट आपको साइन करना पड़ता है जिसमें लिखा होता है कि कुछ भी हो सकता है वी विल ट्राई आर बेस्ट है ना तो ये आपको ध्यान रखना है कैवियट में आपको कभी नहीं भूलना है कि कैवियट क्या होता है एग्जैक्ट वार्निंग नहीं है ये सिर्फ नोटिस है है ना नोटिस है करेक्ट आगे देखें। फ्लिम्जी 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 का मतलब क्या होता है ये वर्ड कई बार आपके एग्जाम्स में आया है फ्लिम्सी का मतलब बहुत ही वीक बहुत ही कमजोर है ना एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है कमजोर क्या है मतलब कमजोर जिसमें कोई ही नहीं है अब जिसमें कोई जान ही नहीं है सब्सटेंस ही नहीं है तो वो क्या है इन है जिसको बड़े आसानी से तोड़ा जा सकता है चरमराया जा सकता है डैमेज किया जा सकता है खत्म किया जा सकता है बिकॉज इट इज इन सिनोनिम देखिए इसके क्या होंगे फ्रजाइल ब्रेकेबल प्रेल अनस्टेबल wibbly wobbly वॉबली wobbly ramshackle जो गिर सकता है कभी भी बर्बाद हो सकता है कभी भी ब्रेक हो सकता है जो डगमगाया हुआ है वॉबली है अनस्टेबल है प्रेल है कमजोर है ब्लम्सी है ये सारे इसके बड़े अच्छे इसके सिनोनिम है देखिए है ना बहुत अच्छे सिनोनिम है एंटोनियम में आ जाइए एंटोनियम कैसे आप समझाएंगे देखिए साउंड ये आवाज वाला साउंड नहीं है ये आवाज वाला साउंड नहीं है ध्यान देना है दिस इज नॉट आवाज वाला साउंड ध्यान देना है स्पैम साउंड का मतलब होता है डीप फर्म गुड अनब्रेकेबल है ना जैसे आप क्या कहते हैं साउंड स्लीप गहरी नींद एकदम बिना टेंशन के बिना किसी चिंता के बिना नींद टूटे अनब्रेकेबल स्लीप बिना टेंशन विदाउट विदाउट एनी टेंशन विदाउट एनी स्ट्रेस अ वेरी साउंड एंड गुड एंड टाइट स्लीप है ना तो डीप स्लीप की बात हो रही है साउंड स्लीप तो साउंड का मैं मीनिंग आपको यहाँ पे समझा रही थी अभी तो साउंड का मीनिंग आप समझ गए पर वीक का उल्टा है स्ट्रांग मजबूत जिसमें सब्सटेंस है जिसमें कुछ जान है जिसमें कुछ है बात दैट इज सब्सटैंशियल जो मजबूत है टफ है जो क्या है टफ है सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे बताइए सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे शी फेल्ट कोल्ड इन हर फ्लिम्ज़ी ड्रेस उसको उस पतले से कपड़े में ठंड लग रही थी उसे उस पतले से कपड़े में ठंड लग रही थी शी फेल्ट कोल्ड इन हर फ्लिम्ज़ी ड्रेस शी फेल्ट कोल्ड इन हर फ्लिम्ज़ी ड्रेस ऐसे कमजोर कपड़े में उसको ठंड लग रही थी और देखिए जरा वो कूद रही है एंड गिर गई क्यों गिर गई जिस टेबल पे वो कूद रही थी जिस चेयर पे स्टूल पे वो कूद रही है वो स्टूल ही कमजोर है वो क्या है फ्लिम्जी है वो क्या है फ्लिम्जी है अनस्टेबल है वो वीक है वो फ्रेजाइल है फ्रेल है है ना समझ में आ गई बात नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है अप्रीहेंशन अप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है डर अच्छा देखिए एक तो वर्ड होता है आपके पास एक्सपेक्टेशन ध्यान से देखिए है ना एक्सपेक्टेशन एक होता है एक्सपेक्टेशन जिसका मतलब होता है होप करना क्या मतलब होता है होप करना है ना तो होप तो करना पॉजिटिव बात है ये तो अच्छी बात है उम्मीद लगाना किसी से मतलब आप ये नहीं कभी बोलते हो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं फेल हो जाऊंगा है ना ऐसा तो नहीं बोलते ना मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं मरने वाला हूं ऐसा नहीं बोलते हो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं आगे बहुत अच्छा करूंगा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये लड़की मुझे बहुत प्यार करेगी मैं एक्सपेक्ट करता हूं मेरे माँ बाप मुझे बहुत ही मानेंगे बहुत ही प्यार करेंगे वैसे एक्सपेक्ट करने वाली बात नहीं है कुछ अच्छा बोलना है बस आपको ध्यान देना है होप है ना करेक्ट लेकिन आप जब वही एक्सपेक्ट में आप होप की जगह डर ले आए अगर कि मुझे डर लग रहा है कि ये हो सकता है मुझे डर है कि मेरा बॉस मुझे डांटेगा मैंने तो काम नहीं किया था मुझे डर लग रहा है कि मैं फेल हो सकता हूं क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की थी एग्जाम की मुझे डर लग रहा है कि वो छोड़कर चली जाएगी है ना या जाएगा तो ऐसे एक्सपेक्टेशन को जिसमें आपका डर जुड़ जाए फियर जुड़ जाए दैट इज अप्रीहेंशन एक्सपेक्टेशन इज टू बी होपफुल अबाउट फ्यूचर एंड आपका अप्रीहेंशन का मतलब होता है टू बी फियरफुल अबाउट योर फ्यूचर टू बी फियरफुल अबाउट योर फ्यूचर है ना एंटिसिपेट करना क्या करना एंटीसिपेट करना एंजाइटी रखना अब आपको डर है तो आंक्स्ट होगा एंजाइटी होगी बेचैनी होगी होगा, गुस्सा होगा डर है परेशानी है टेंशन है है ना? तो सिनोनिम अब जहां पे ये चीजें एबसेंट है तो अच्छी चीजें ले आओ अब एक्सपेक्टेशन ले आओ अब है ना एंटोनिम उल्टा कर दो और उल्टे में अच्छे वर्ड्स लाओ कॉन्फिडेंस दिखाना शांति काम है ना इन कम्प्रीहेंशन इन कॉम्प्रिहेंशन जहां पे आपको नहीं समझना है कोई डर नहीं है आप फ्यूचर के डर को नहीं ले रहे हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सपेक्ट इज योर पॉजिटिव वर्ड ये ध्यान रखना है आपको It is not a negative word. Expect कर रहे हैं। अगर आप अपने लैंग्वेज में आप आप कह रहे रहे हैं कि कि मुझे मैं यही कर कर रहा था था, तुमसे तुम ऐसा मेरे साथ करोगे तो आप expect नहीं anticipate कर रहे थे। आपके अंदर apprehension था, है ना? सेंटेंस में देखिए कैसे यूज करेंगे इट रिफ्लेक्ट्स रियल एंगर एंड्रीहेंशन अबाउट द फ्यूचर मतलब ये क्या दिखाता है एक रियल एंगर एक सचमुच का गुस्सा और एक डर दिखाता है आगे भविष्य को लेके आगे भविष्य को लेके ये डर दिखाता है है ना देखिए जरा इसके चेहरे पे एक्सपेक्टेशन है कि है इसके चेहरे पे क्या है एक्सपेक्टेशन है ये अप्रिहेंशन है आई एम अफ्रेड ये क्या कह रहे हैं इनका देखिए ये डर रहे हैं ये अप्रिहेंशन में है ये किस में है अप्रिहेंशन में है इस चेहरे पे क्या है इस प्यारे से गोल गोल चेहरे पे क्या है डर है सिर्फ भविष्य को लेके अब ये क्या हो गया डर है है ना समझ में आई बात तो अप्रिहेंशन का मतलब हो गया डर फ्यूचर को लेके डर